सहकार भारती द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का आयोजन 1 और 2 फरवरी को किया जा रहा है। साथ ही महिला उद्योजिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी ने नागपुर में पत्र परिषद में दी। 1 और 2 फरवरी को सहकार भारती द्वारा राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 राज्यों से करीब 2000 से अधिक महिला उद्योजिका शामिल होगी। इस दौरान 31 जनवरी 1 और 2 फरवरी तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें 27 राज्यों की करीब 2000 महिला अपने छोटे बड़े उद्योगों के स्टॉल्स लगाएंगी। जोशी ने बताया कि महिलाओं को सहकार क्षेत्र में बढ़ावा मिले, साथ ही सहकार क्षेत्र में प्रगति करनी है तो महिलाओं का सहभाग जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सफल उद्योजिकाओं का चर्चा सत्र भी रखा है, जिसमें वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेगी। इस अधिवेशन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी पत्र परिषद में दी गई। इस दौरान एमएसएमई के सचिव प्रशांत पालीवाल, कांचन गडकरी, शताब्दी पांडे, विवेक जुगाड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। सरकार भारतीच 27 प्रदेश आणि 470 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये काम चालतं। सहकार क्षेत्रातलं काम वाढावं, याच्यामध्ये महिलांचा सहयोग जर असला तर ते अधिक गतीनं वाढेल, आणि म्हणून महिलांचा सहभाग सहकार क्षेत्रामध्ये वाढावा यासाठी हे अधिवेशन मुख्यतः आयोजित केलेलं आहे। त्यामुळं सहकारी क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याकरता काय काय करता येऊ शकतं, काय केलं पाहिजे, अशा सर्व विषयांवरती चर्चासत्र या कार्यक्रमामध्ये असणार आहेत। 27 प्रदेशांमधनं जवळजवळ 2000 महिला या कार्यक्रमाला येणार आहेत। त्यांचं भोजन, निवास वगैरे सर्व व्यवस्था ही एकत्र असणार आहे। सर्व कार्यक्रम एकाच ठिकाणी होणार आहेत आणि विविध राज्यांमधल्या भगिनींनी तयार केलेली जी उत्पादनं आहेत, विशेषतः स्वयंसहायता समूहाच्या वतीनं त्यांची विक्री करण्याकरता इथे प्रदर्शनी आणि स्टॉल आपण लावलेले आहेत। 125 पेक्षा अधिक स्टॉल हे त्या ठिकाणी असणार आहेत। एमएसएमई डिपार्टमेंटनी विशेष सहकार्य करण्याची एक योजना याकरता तयार केलेली आहे आणि त्याचा लाभ या देशभरामधनं येणाऱ्या सगळ्या स्टॉल्स चालक भगिनींना होणार आहे, हे या कार्यक्रमाचं प्रमुख वैशिष्ट्य असणार आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकडे के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।